Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing E ki matra. E ki matra means choti E ki matra karenge. Ab tak humne dekha A ki koi matra nahi hoti. A ki matra kaisi hoti hai? A. Jab hum kisi bhi cheez ke saath lagate to sound kaisi deti hai hame? A. Aur aaj hum karne ja rahe hain hamari छोटी ई की मात्रा को. जैसा इसका नाम है वैसी ही ये मात्रा है, छोटी ई. तो हम अगर इसको कह को लगाते तो ये क्या बनता है, की. जैसी ये छोटी है ऐसी ही इसकी साउंड भी छोटी आएगी. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मात्रा लगती कहाँ पे है. ये मात्रा लगती है किसी भी व्यंजन से पहले. अब ये किसी भी व्यंजन से पहले क्यों लगती है, जैसा कि आप सबको पता है जब आपकी स्कूल में असेंबली होती है तो वहाँ पे टीचर बच्चों को कहते हैं कि छोटे बच्चे आगे आ जाओ और बड़े पीछे चले जाओ. तो वहाँ पे भी क्या होता है, छोटे बच्चों को आगे लगाया जाता है. उसी तरीके से हमारी जो ई की मात्रा है वो क्या है, छोटी. और ये कहाँ लगती है, हमेशा व्यंजन से पहले लगती है. आज हम ये देखेंगे कि ये मात्रा लगती कहाँ कहाँ पे है और इसको कैसे लगाया जाता है. हम करने जा रहे हैं आज हमारी ई की मात्रा. मात्रा को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. के, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, ठे, दे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है. इसके बाद के जो व्यंजन आते हैं उनके ऊपर ई की मात्रा नहीं लगाते. अब हम देखेंगे कि हमारी ई की मात्रा को लगाया कैसे जाता है. अभी मैंने आपको बताया कि छोटी ई की मात्रा हमेशा ही वर्ण से पहले आती है. तो सबसे पहले तो इसको लगाने का वे क्या होता है हमारा, कि हमारी इस मात्रा का एंडिंग वे होता है ये. क्योंकि कुछ बच्चे इसको आधा छोड़ देते हैं, कोई कहीं लगाता है और कहीं लगाता है. ये इसका जो एंडिंग पॉइंट आता है इस कै की मिड लाइन पे आएगा. तो ये क्या बन जाएगा, की. जैसे ही ये नाम है छोटी ऐसी ही इसकी साउंड है. खै कहाँ ख़त्म होगा हमारी, एंडिंग लाइन पे. खी. गे कहाँ ख़त्म होगा हमारा, इस एंडिंग लाइन पे. कुछ बच्चे इसको इस गे पे लगाते हैं, नहीं, गे की जो एंडिंग लाइन है वो ये वाली है, गी, गी. ये अंगा पे हम मात्रा नहीं लगाएंगे. हमारी चे की एंडिंग लाइन है ये, ची, छी, जी, जी.
इया पे हम मात्रा नहीं लगाएंगे। अब हम एक बार बोल के देखें, की, खी, गी, खी, ची, छी, जी, झी। हमारी टै की एंडिंग लाइन है ये, टी, ठी, डी, ढी। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी मात्रा का एंडिंग पॉइंट कहाँ आता है और ये कंप्लीट कैसे होती है। अगर आप इसको लगा के ऐसे छोड़ दोगे तो ये आपकी इनकम्प्लीट मानी जाती है। ये फिनिश कहाँ होती है? जब इस वर्ण की एंडिंग लाइन पे आ जाएगी। टी, ठी, डी, ढी, णी, टी, ठी, डी, ढी, नी। पी, फी। इसकी फे की जो एंडिंग लाइन है ये नहीं है, ये जो मिड लाइन है बी, भी, मी, ये, री, ली, वी, सी, 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 ही, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, टी, ठी, डी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, सी, 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 ही। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हम आ की मात्रा कर रहे थे तो हमारी साउंड क्या आ रही थी? आ। और जब हम ई की मात्रा कर रहे हैं तो हमारी आवाज कैसी आ रही है? ई। की, खी, गी, घी, ची। नाउ वी आर डूइंग सम वर्ड। हम ई की मात्रा के कुछ वर्ड करके देखते हैं, जैसे दी, ने, दिन, सी, रे, सिर, टी, ले, तिल, की, ला, किला, पे, ता, ई, पिता, सी, का, रे, शिकार, दिमाग, दिमाग, सी या रे, सियार, बी, टी,
या बिटिया की से मी शे किश मिस री मैं जी मैं रिम झिम पी के नी के पिकनिक। हम इसको पिकनिक नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं इसको, पिकनिक। दिन सिर तिल किला पिता शिकार दिमाग सियार बिटिया किसमिस रिमझिम पिकनिक। इस तरीके से आप पहले इसकी मात्रा को लिखिए, प्रोनंसिएशन निकालिए और फिर आप न्यू न्यू वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको पता है तिथि, तिथि लिखा, दिन है दिन लिखा, रवि रवि लिखा। इस तरीके से आप न्यू न्यू वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। ये है आपका वीडियो, थैंक यू।